हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टेक्निकल्स 777। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूँ कि इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे DM का क्या मतलब होता है। जी हाँ दोस्तों, डी फॉर डंकी, एम फॉर मंकी। मैं आपको बताना चाहता था DM स्पेशली, तो DM का मतलब क्या होता है इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में DM का मतलब डंकी और मंकी नहीं होता, सॉरी। मैं ये जस्ट लेटर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। एक्चुअली में DM का मतलब क्या होता है इंस्टाग्राम पे, आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे। और मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आने के फ्यूचर के आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी वो आपको टाइमली मिल जाया करेंगे बिना किसी वेट करे। तो आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलूँगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को। हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे इंस्टाग्राम। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इसका जो इंटरफेस होता है इस तरीके से दिखता है दोस्तों। इसको होम बटन बोलते हैं, सर्च बटन है, ये प्लस आइकन है जहाँ से आप अपनी फ़ोटो पोस्ट करते हैं, ये हार्ट का आइकन है जहाँ से आप देख पाते हैं कि आपकी फ़ोटो को कितने लोगों ने लाइक किया है, और ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल के लिए आइकन है। लेकिन हमारा आज का काम है कि हमें हमारा आज का जो गोल है वो ये जानना है कि DM का क्या मतलब होता है इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों DM का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मैसेज। जी हाँ दोस्तों, DM का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मैसेज। आपने सुना होगा दोस्तों से या फिर कहीं ना कहीं बातें करते हुए लोगों को कि इंस्टाग्राम पे DM कर देना या DM मिल जाएगा। तो DM का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे किसी को। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्ट मैसेज करते कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान के चलता हूँ कि आपका एक दोस्त है, जिसे मैं अपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त है अमन, मुझे उसे DM करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अमन को मैं सर्च, मान लीजिए मैं अमन को फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो सर्च का आइकन दिख रहा है नीचे की तरफ जो हमने अभी आपको दिखाया ये वाला, ठीक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें सबसे टॉप पे देखेंगे आपको सर्च का, ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ जब क्लिक करेंगे, एक सेकंड हमें बैक जाना, ये सर्च का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ आप लिखेंगे सर्च करके अमन। जब आप इतने लिखेंगे तो आपका जो दोस्त होगा आ जाएगा। मैंने मान लीजिए मेरा दोस्त है, इसको हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो प्रोफाइल है उसमें मैसेज का डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली तो यहाँ पे मैसेज क्लिक करेंगे तो मैसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये कॉर्नर में एक पेज खोल के आ जाता है जिसमें आप उसको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हाय, ठीक है, यहाँ सेंड कर सकते हैं, सिंपल तरीके से सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने उनको क्या किया, DM कर दिया, ठीक है। मैं इनको फॉलो नहीं करता था, ठीक है। आप चाहें तो इसको बैक जा करके यहाँ से आप यहाँ पे इस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पे आप इसको चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप इनको पहले से फॉलो करते हैं, उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आप इंस्टाग्राम पे इसको पहले से फॉलो करते हैं, उस केस में अगर आपको इनको DM करना है तो क्या करेंगे उस केस में दोस्तों, ये जो स्क्रीन है जो होम पेज की, इस स्क्रीन को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको ड्रैग करना है, ठीक है। तो जैसे ड्रैग करेंगे तो ये वो लोग होते हैं यहाँ पे, ये वही पेज है जहाँ पे जितने लोगों से हमारी DM पे बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, सपोज करो मेरी एक दोस्त है, ठीक है, ये वाली, इसको मुझे DM करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी जो प्रोफाइल है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे इनसे जो भी बात हुई होगी यहाँ पे इस तरीके से लिस्टेड आ जाएगी, ये देखिए हमारी पुरानी बातें हैं। आप चाहें तो यहाँ टाइप करके आप कुछ भी इनको भेज सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी मैंने हाय भेज दिया, हाय, फिर यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे, ये चली गई। तो इस तरीके से मैंने अपने इस दोस्त को DM किया। तो हमने आपको बता दिया कि अगर आप किसी दोस्त को फॉलो करते हैं तब किस तरीके से DM करना है, और फॉलो नहीं करते हैं उस केस में DM करना कैसे करना है। और DM का फुल फॉर्म डायरेक्ट मैसेज होता है, जो कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आसानी से कोई भी कर सकता है। आई होप अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप नए हैं इंस्टाग्राम पर, पहली बार अगर आ रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, आपको नहीं पता होगा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को,
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करे। तो दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।